हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? होप करता हूँ सारे लोग ठीक हो और अपने अपने घरों में मौज ले रहे हो। तो भाई वीडियो स्टार्ट, मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ, ठीक है। आज जिसका मैं रोस्ट करने वाला हूँ कोई इंसान नहीं है, कुछ बकरी चोद है, ठीक है। मतलब मैं पूरी कंट्री का रोस्ट करने वाला हूँ, मैं पाकिस्तान का रोस्ट करने वाला हूँ। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आम जनता है वहाँ की, पाकिस्तान की, और उनके रिलीजन जो है भाई, मैं उनके ऊपर कोई मजाक नहीं करने वाला। और प्लीज यार इसको दिल पे मत लेना, वीडियो एंड तक देखना। और क्या कहते हैं उसको, फनी वीडियो को ना फनी एंगल में लेके जाना, ठीक है। कुछ वो मत समझना, गलत मत समझना, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि मैं पाकिस्तान के ऊपर रोस्ट निकालूंगा या फिर पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर रोस्ट निकालूंगा। फिर मैंने सोची कि यार लोगों को कैसे समझाऊंगा कि भाई पाकिस्तानी मीडिया ऐसा है वैसा है। फिर मेरे को याद आया कि भाई आजकल के लोग इतने होशियार हो चुके, उनको पहले से ही पता है कि चूते की डेफिनेशन क्या होती है। बहन आप सबको नहीं पता है, कहां पता है। अब तुम में से बहुत सारे लोग न्यूज़ देखते होगे, तुम्हें पता चलेगा होगा 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर क्या हुआ था। बहुत सारे खालिस्तानी कुत्ते बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि ये कर दिया हमने, वो कर दिया। और उससे भी ज्यादा कौन खुश था? उससे भी ज्यादा खुश था पाकिस्तानी मीडिया। हिंदुस्तान के 1000 टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, लाल किले पर पाकिस्तान का परचम भी लहराएगा। चुप तेरी मां का, तेरी रुक तेरी मां दो में। अब स्वागत है आप सभी लोगों का पाकिस्तान रोस्ट वीडियो में। अच्छा, इंडिया में ना सिख कम्युनिटी पर जोक्स बनाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा ना हो इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा सेक्सी रूल्स बना रखे। वो क्या करते हैं, वो ना सिखों को मार देते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं, उनकी बेटियों को किडनैप करके ले जाते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं, उनके गुरुद्वारे तोड़ देते हैं। सही कह रहा हूँ ना? पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या कंडीशन है ये दुनिया जानती है, पर हिंदुओं की कंडीशन और भी ज्यादा खराब तब हो जाती है जब उनके सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज में क्या ही बोलूं, सुअर छोड़ो, वहाँ पे ऑन टीवी ऐसी ऐसी स्पीच देते हैं। सुनो, काशी में तुलसी बॉय सारी बकरियां चर गई, काशी में तुलसी बॉय सारी बकरियां चर गई, गांधी नेहरू मातम मनाओ, हिंदू की मैया मर गई। माँ कसम, अगर ये छोरी ना होती ना तो मैं इसको समझाता कि मैया चोदी कैसे जाती। भाई पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी का और दूसरी अदर कम्युनिटीज है उनका कितना बुरा हाल है, कितना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, पूरी दुनिया जानती है, और वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और बदले में अगर हिंदुस्तान कोई एक्शन ले तो हमारे देश में भाई इतने भोसड़ी वाले लोग बैठे पूरा रोड ब्लॉक करके बैठ जाते, प्रोटेस्ट करने लगते हैं। NRC में इतने डरावने प्रोविजंस हैं। सौरभ भास्कर, तुम पाकिस्तान चली जाओ, तुम्हारी जगह वहीं पर है। अब देखो, कुछ टाइम पहले पुलवामा अटैक हुआ था, इंडियंस काफी ज्यादा गुस्से में थे, और इसी गुस्से के चलते टेक्निकल गुरुजी ने अपनी वीडियोस को पाकिस्तान में बैन करवा दिया था। और मेरे को ऐसा लगता है बिल्कुल सही करवाया, क्योंकि वहां पे यार कोई उनकी वीडियोस देखता नहीं होगा, क्योंकि 500 रुपए वाले फोनों की अनबॉक्सिंग नहीं करते ना वो। अब देखो, मेन चीज पे आने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान के लोगों से। सपोज टेक्निकल गुरुजी जैसा चैनल कोई पाकिस्तान में खोलना चाहे तो उसका नाम क्या होगा? टेक्निकल मौलाना भैया जी। अब तो मैं हमारे प्यारे पड़ोसी इंडियन लोगों से कहना चाहूंगा, आ गया भाई भूखा नंगा आदमी, तेरे पे पैसे है भी या फिर तेरे को पैसे दूं या फिर तेरी तरह सट्टेबाजी प्रमोट करूं कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय 1xyz, जाके बिग बैश लीग खेलो, अपने दोस्तों को रिफर करो, पैसा कमाओ, प्रोमो कोड डाल के क्रिकेट और फुटबॉल पे ऐसा करूं। एक काम करना, मेरा नाम है एलविस यादव, किसी भी 1xyz ऐप पे जाके ना मेरा नाम डाल दियो, $100-$200 तेरे को भीख में मिल जाएंगे, समझ आ गई? फौज की बात है, जहां तक लड़ाई की बात है, कभी आपने देखा किसी इंडियन का बहुत बड़ा फड्डा हो रहा हो कहीं भी दुनिया में, जिस तरह हम पाकिस्तानी दूसरों की बाहर जाके ले लेते हैं? हाँ भाई ले लेते हैं, पर पाकिस्तानी नहीं ले लेते, पाकिस्तानियों का ले लेते हैं प्लेन, पैसे ना देने पे। याद है या फिर याद दुआ? याद दिलाऊं क्या? याद दिलाऊं क्या? आज सुबह PIA का एक तैयारा कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर कब्जे में ले लिया गया है, जिसकी वजह मलेशिया की अदालत का एक फैसला है जो उसने तैयारा लीज पर देने वाली कंपनी की दरख्वास्त पर सुनाया है। कौमी एयरलाइन के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि आज सुबह बोइंग 777 कुआलालंपुर से पाकिस्तान वापसी के लिए तैयार था, मुसाफिर भी तैयारे में बैठ चुके थे, लेकिन फिर अमले को अचानक आगाह किया गया कि एक अदालती हुक्म के बाइस परवाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मार गई। इंडियन कॉम को अच्छी तरह पता है कि वो काफी फट्टू है, और कभी भी आपने किसी इंडियन का कोई फड्डा नहीं देखा होगा जिस तरह आपने हमारे पठानों का या फिर हमारे बाकी लोगों का फड्डा बाहर कहीं अमेरिका में यहाँ वहाँ होते हुए देखा है। बहुत खौफ है भाई इनका, बहुत ज्यादा खौफ है। ऐसी थोड़ी ना इनके PM को अमेरिका के एयरपोर्टों पे नंगा किया जाता है, और भाई ये डर लगा रहता है। सबसे मेन चीज तो भाई इनका खौफ इस चीज का, कहीं ऑल ओवर बोल के बहन जो फट ना जाए। तो जैसे आप लोग नाचने गाने में अच्छे हैं ना, पाकिस्तानी फाड़ने में अच्छे हैं। अरे मेरी सुहानी रात के नतीजे, मेरे भाइयों के भतीजे, कितना गलत बोलता है यार तू भाई, फाड़ने में नहीं फोड़ने में, बोलो फोड़ने में, अपने वर्ड्स को करेक्ट कर यार। तो गाइस बहुत हो गया रोस्ट, अब थोड़ा रेंट पे चलते हैं। अब देखो तुम्हें थोड़ा सा और मजा दिलवाता हूँ, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पाकिस्तानी हमेशा उन चाइनीज फोन को 5-star रेटिंग देते हैं जो आसानी से फट जाते हैं।
आपको पता है पाकिस्तान में कभी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहता क्योंकि वहां पे करियर ऑप्शंस बहुत ज्यादा, जैसे कि पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी स्पेस एजेंसीज, ISIS, जैश ए मोहम्मद, अलकायदा एटसेट्रा एटसेट्रा। बट देखो यार, मैं सिर्फ गलत चीजें पॉइंट आउट नहीं करूंगा, मैं वहां की कुछ अच्छी चीजें भी पॉइंट करूंगा यार। पाकिस्तान बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी पाकिस्तान में, जैसे कि कोक स्टूडियो, नॉन मैच कुकिंग चैनल्स, दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और कौन कौन से अच्छे अच्छे टेररिस्ट है वहां पे। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चीज है जो उनकी GDP से कम है, जो कि है हिंदू पॉपुलेशन। कैसा हंसता है भड़ा तू? हाँ? गाइस, आपको पता है जब कोई पाकिस्तानी सुसाइड हेल्पलाइन पे कॉल करता है तो अगला बंदा उससे क्या पूछता है? उसके जैकेट का साइज। पाकिस्तान को ये लगता है कि कश्मीर उनका है, खैर छोड़ो, उनको तो ये लगता है अर्थ भी चपटी है। सो गाइस, आज का ये रैंट वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। और भाई देखो, मैं जितनी भी पाकिस्तानी पब्लिक मेरी ये वीडियो देख रही है, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये भाई एक रोस्ट वीडियो था, इस ट्वीट के रिप्लाई में आ गया हुआ इधर उधर, तो इसको सीरियसली मत लेना यार। ये मेरी पहली और आखिरी वीडियो आप लोगों के ऊपर, और जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज यार ऑफेंड होकर यार कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट मत करना, क्योंकि तुम्हारी गांड फाड़ दूंगा मैं, समझ आई? पंडित जी जाने दीजिए, जाने दीजिए। अरे पंडित जी मेरी बात सुनिए, अरे फट गई है उसकी। और भाई जितनी भी पाकिस्तानी जनता, सॉरी मेरी जनता देख रही है जितनी भी, और तुम्हें और वीडियो चाहिए ना पाकिस्तान के ऊपर, इनकी गांड फाड़ने को तुम्हारा भाई एवर रेडी बैठा है। और भाई वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर सब चीज कर दो, और इतनी शेयर करो उन पाकिस्तानियों की गांड में बढ़ जाए, ठीक है ना? इतनी शेयर करना इस वीडियो को बहुत है, और तो सब्सक्राइब कर देना भाई को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। अरे यार सीरियसली मत लेना, मैं मजाक कर रहा था, ठीक है? फिर भी गांड फाड़ दूंगा। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो, ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। In a huge open world like Night City, you need a chill ride to get around fast. And in Cyberpunk 2077, there are tons of cool vehicles to choose from. Pakistan ka matlab kya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. को एक्शन ले तो हमारे देश में भाई इतने भोसड़ी वाले लोग बैठे, पूरा रोड ब्लॉक करके बैठ जाते, प्रोटेस्ट करने लगते हैं, मादरचोद। अगर देखें मुजरा हो रहा हो और एक जगह इंडियन लड़कियां नाचे और एक जगह पाकिस्तानी, तो ऑब्वियसली सारे पैसे इंडियन लड़कियों के पास जाएंगे। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में तो लोग बकरी से काम चला लेते हैं ना। हाफिज सईद और कौन कौन से अच्छे अच्छे टेररिस्ट है वहां पे, नाम ले किसी का। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, मैं अभी निकाल देता हूँ, छोड़ो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मेरे को एक घंटे की फिल्म नहीं बनानी।